तो तरीके से चलिए आपको कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में दिखा देता हूँ। जैसे सम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, नीचे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि मोस्टली यूज होते रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे भी। तो कैन, कूड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आउट, हैव टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन में ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसका मैंने टेबल बनाया है और उसको बताया हुआ हूँ कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसी को ध्यान से समझना है, आपका डाउट यहीं पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। अरे बच्चों, कैन और कुड का यूज हम क्षमता व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी, किसी भी काम को कर पाने की जो क्षमता होती है उसे दर्शाने के लिए कैन और कुड का यूज करते हैं। कैन तो हो गया चलो सकना, कुड का यूज हम आदतों को भी व्यक्त करने के लिए करते हैं, पास्ट जो बीते हुए जो बीता हुआ जो समय रहता है उसमें कैन का ही ये पास्ट फॉर्म है कुड। तो इससे हम क्षमता को व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं मे और माइट का, तो मे और माइट का भी वैसे ही संभावनाओं को और एबिलिटी बोल रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, एंड अनुमति, परमिशन व्यक्त करने के लिए, तो ये आपके पॉसिबिलिटीज और परमिशन को दर्शाता है, ठीक है, ये होगी संभावना और अनुमति। उसी तरीके से विल और शैल, हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, भविष्य काल को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। वुड का यूज है विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना करने के लिए वुड यूज किया जाता है। मस्ट, आउट टू और शुड, इन तीनों का यूज हम अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, भाई निश्चित रूप से काम हो रहा है, होगा, निश्चित रूप से आना ही है, तो इस अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। उसी तरीके से हैव टू का भी यूज हम अनिवार्यता को ही, ऑब्लिगेशन में ही व्यक्त करने के लिए ही करते हैं। तो ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि आपकी लिस्ट में दिख रहे हैं जिनका यूज इस तरह से होता है। नीड है, नीड मतलब होती है जरूरत, और इसका यूज भी हम नेसेसिटी, जरूरत को ही व्यक्त करने के लिए हम नीड का यूज करते हैं। डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत, तो इसका साहस को व्यक्त करने के लिए, कवरेज के लिए हम व्यक्त करते हैं, इसका यूज करते हैं। और यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का लास्ट वर्ड है जिसका यूज हम हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, आदत को, पुराने समय में जो आदत, बचपन में जो आदतें होती है, पास्ट टेंस में जो हैबिट रहती है उन्हें शो करने के लिए हम यूज्ड टू का और वुड का यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे।